गाइज, हम फोटोशॉप का चैप्टर 17 कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में पढ़ना है। गाइज, हिस्ट्री ब्रश टूल, इस टूल को कहा जाता है। हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से आप अपने मेकअप किए हुए पिक्चर्स को प्रीवियस फॉर्मेट में ला सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो फॉर्मेट फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव्ड है। यानी कि अगर आपने किसी पिक्चर्स को मेकअप कर दिया और उसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर दिया और आप चाहते हो कि जैसा पिक्चर्स पहले था उस तरह के पिक्चर्स को हम लाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फोटोशॉप पे मेकअप करने के बाद उस पिक्चर्स को आपने फोटोशॉप के ही फॉर्मेट में सेव किया है, तो आप उसे हिस्ट्री ब्रश से पहले की तरह बना सकते हैं। सो सिंपली मैं कोई पिक्चर्स इंसर्ट करता हूँ और इस पिक्चर्स पे मैं बहुत सारा वर्क कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा इमेज ऑप्शंस में जा एडजस्टमेंट में हमने कर्व कर दिया, फिर मैं इमेज ऑप्शंस में जाकर एडजस्टमेंट में मैं कलर बैलेंस को मैच करके कुछ कलर्स का इम्प्लीमेंटेशंस कर देता हूँ इस तरह से। ओके, सो मैंने इस पिक्चर्स पे बहुत सारा मेकअप कर दिया है, तो इस पिक्चर्स को अगर आपने जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर दिया तो ये पिक्चर्स पहले की तरह नहीं बन पाएगा। बट आपने अगर इसको सेव एज ऑप्शंस में जाकर पीएसडी फॉर्मेट यानी कि फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में सेव कर दिया, तो इस पिक्चर्स को पहले की तरह हम बना सकते हैं। सो सिंपली इस पिक्चर्स को पहले की तरह बनाने के लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल से इस पिक्चर्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माउस के बटन से। सो आप ज़रूरत के अनुसार राइट क्लिक करके ब्रश का साइज बढ़ा लें और फिर इस पे अपने माउस को चलाएं, तो ऑटोमेटिक ये पिक्चर्स पहले जिस तरह का था उस तरह का हो जाएगा। क्लियर? सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।